हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास 10। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर सेकंड पॉलीनोमियल्स। टुडे वी आर डिस्कस ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप था वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमने किससे फाइंड किया था? जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दो केसेज आए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए के इक्वल होता है। अब देखिए, ये तो हमारे पास जीरोज है और ये कोफिशियंट है गिवन पॉलीनोमियल्स के, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, ये जीरो और ये कोफिशियंट। तो हमने दो रिलेशनशिप फाइंड की थी। आज हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करेंगे जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। अब देखिए, फ्रॉम जनरल इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म्स होती है उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो शुड बी वन, ऑलवेज वन होना चाहिए। तो वन बनाने के लिए जिससे मल्टीप्लाई है उसी से हमें डिवाइड करना होगा। इसे ए से मल्टीप्लाई है तो ए से हम डिवाइड कर देते हैं गिवन इक्वेशन को। आपको पता है जो काम एलएचएस में करना होता है वही हमें आरएचएस में करना होता है, तो हमने ए से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय ए बोथ साइड। अब डिवाइड, ए से डिवाइड करने के बाद देखिए ए से ए कैंसिल, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। में ए का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो। हेयर अब देखिए बी अपॉन ए की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस अल्फा प्लस बीटा, एंड सी अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यूज पुट करेंगे, अब देखिए बी अपॉन ए की वैल्यू ये माइनस से माइनस को ट्रांसफर किया तो ये हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए प्लस माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में जीरो। जब हमारे पास अल्फा एंड बीटा टू जीरोस गिवन हो और वो बोले कि फाइंड पॉलिनोमियल, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपको रिमेम्बर रखना है, याद रखना है। इसके बेसिस पे कुछ एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। इफ sum of zeros and product of zeros are 3 and minus 4, then find polynomial. सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस इट मीन्स 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मीन्स माइनस 4। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? 3। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा गिवन है माइनस 4। और जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
मल्टीप्लाई एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में जीरो. जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई में एक्स प्लस माइनस फोर. एल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आते हैं, माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज आंसर. तो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा, आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज पुट करनी है और रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल फाइंड करने. इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली. आपके पास फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों डिस्कस करते हैं. सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. जैसे कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है जस्ट अभी, तो पॉलीनोमियल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में जीरो. अब सम ऑफ जीरोस गिवन है, इट मीन्स एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन फोर. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, इट मीन्स एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस वन. पुट द वैल्यूज एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई एक्स, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 पुट की हमने, प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस वन पुट की. देखिए ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती, तो एग्जैक्ट आंसर आता है उसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस वन इक्वल टू जीरो. अब देखिए इसके अकाउंट में कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हो, वन. इसके अकाउंट में कुछ नहीं तो वन लगा सकते हो. एलसीएम लेंगे, फोर एलसीएम आएगा मेरे पास. 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा. 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेना आपको आते ही 4x स्क्वायर माइनस 4 में 4 का डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, देन 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x बन गया x माइनस x. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. 4 में 1 का डिवाइड किया तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू में 0. अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाए तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल आएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. 4 जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गए तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज आंसर. ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है. सम ऑफ जीरोस, इट मीन्स एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास रूट टू. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट मीन्स एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/3. गिवन है ये, हमें फॉर्मूला यूज करना है पॉलीनोमियल का. एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में जीरो. पुट द वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास रूट टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू में जीरो. अब देखिए इसके अकाउंट में कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते हो, इसके अकाउंट में कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते. एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, 3 एलसीएम. अब सिंप्लीफाई करना है, 3 में 1 का डिवाइड किया 3, 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 3 में 1 का डिवाइड किया, यह आएगा 3 रूट 2 एक्स. और 3 में 3 का 1 डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इज इक्वल टू में 0. अकाउंट में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज आए. तो हम राइट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा 0. तो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल दैट इज आंसर. ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हो एक्सरसाइज 2.2 में. सम ऑफ जीरोस गिवन है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, आपको बस
फॉर्मूला यूज करना है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो।